बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्ड्स मार्स। आज हम थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। इसमें हम 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स थे, हमने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़े अपने इस ड्यूरेशन में, तो हम उन सबको कवर करेंगे। इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 25 MCQs हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऐप लॉन्च बाय पंजाब गवर्नमेंट एंड इनोग्रेटेड बाय CM परवेज इलाही। जी, कौन सी ऐप जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च की है और इसको जो इनोग्रेटेड किया है वो चौधरी परवेज इलाही ने किया है। तो आइए देखते हैं। जी, करप्शन जो है इसके नाम से इन्होंने ऐप को लॉन्च किया है जिसका बेसिक जो एम है वो करप्शन को खत्म करना है। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉन वुमेन्स एशिया कप 2022 एडिशन। जी, ये इंडिया ने इसको श्रीलंका को हरा कर सातवीं बार इस टाइटल को अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वॉन द टाइटल ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन वर्ल्ड कप 2022। जी, कौन किसने जो स्ट्रीट चिल्ड्रन फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ है उसको अपने नाम किया है जो कि कतर दोहा में मुनक्किद हुआ था। जी, इजिप्ट ने इसको विन किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी इयर्स पाकिस्तान रिमेन्ड इन ग्रे लिस्ट। जी, पाकिस्तान कितने साल ग्रे लिस्ट में रहा है। जी, ये पाकिस्तान ऑलमोस्ट 4 साल कहा जाता है और अगर मंथ से देखा जाए तो ये 52 मंथ जो है ग्रे लिस्ट में रहा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन पाकिस्तान विल फाइनली एग्जिट फ्रॉम ग्रे लिस्ट ऑफ FATF। जी, पाकिस्तान कब FATF की जो ग्रे लिस्ट है उसमें से बाहर निकला, तो इसकी डेट देखते हैं हम। ये जी, ये 21 अक्टूबर को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया। और आपको याद रखना चाहिए ये समिट 7 जो हुई थी उसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला गया है, और ये समिट जो है ये पेरिस में हुई थी, फ्रांस पेरिस में हुई थी। क्वेश्चन नंबर, जी ये 21 अक्टूबर को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच असेंबली पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट US प्रेसिडेंट जो बाइडन कमेंट्स। जी, कौन सी असेंबली ने जो जो बाइडन ने अपने कमेंट्स दिए थे पाकिस्तान न्यूक्लियर के बारे में उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास की थी, तो किस असेंबली ने उसको पास किया। जी, पंजाब असेंबली ने इसको पास किया 17 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री गोइंग टू होस्ट 19th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग। जी, इंटरपोल की जनरल जो मीटिंग असेंबली मीटिंग है वो कहाँ पर होने जा रही है, ये 19th इंटरपोल की जनरल असेंबली मीटिंग होगी। जी, ये इंडिया में होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऐप लॉन्च बाय सिंध पुलिस टू टैकल स्ट्रीट क्राइम्स। जी, कौन सी ऐप जो है वो सिंध पुलिस ने क्राइम्स को टैकल करने के लिए, क्राइम्स को कम करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए ऐप को लॉन्च किया है। जी, तलाश ऐप ये इसको लॉन्च किया है सिंध पुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्लान अप्रूव बाय CM चौधरी परवेज इलाही डैश फॉर पंजाब कैपिटल सिटी। जी, कौन सा प्लान जो है वो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही ने पंजाब कैपिटल सिटी के लिए अनाउंस किया। जी, मास्टर प्लान 2050, ये प्लान जो है ये उन्होंने पंजाब कैपिटल सिटी के लिए लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 10, CM पंजाब टेक इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश डैश फोर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन द प्रोविंस। जी, CM पंजाब जो है हमारे परवेज इलाही, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है टू एस्टेब्लिश डैश फोर्स फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन द प्रोविंस। तो कौन सी उस फोर्स का नाम क्या है जो कि इन्होंने स्टेबल की है प्रमोट करने के लिए एजुकेशन को। जी, चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर एजुकेशन, ये इस फोर्स का नेम है। याद रखिए, चीफ मिनिस्टर ने 3 इनिशिएटिव लिए हैं, एक करप्शन वाला, उसके बाद एक चीफ मिनिस्टर टास्क फोर्स फॉर एजुकेशन, और उसके बाद अभी हमने जो लास्ट में पढ़ा है वो मास्टर प्लान 2050। तो इससे पहले एक सिंध गवर्नमेंट ने भी क्राइम को टैकल करने के लिए लिया, तो इसी तरह इनके नेम सबको जरूर याद होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। क्वेश्चन नंबर 11, हु वॉन बुकर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर हिज वर्क द 7 मून्स ऑफ मलाई अल्मेदा। तो ये किन्होंने बुकर प्राइज जीता है इस बुक को लिखकर। जी, शिहान करुण तिलका फ्रॉम श्रीलंका। जी, इनका ताल्लुक जो है वो श्रीलंका से है। शिहान ने इस मेडल को, मतलब इस बुकर प्राइज को जीता है। क्वेश्चन नंबर 12, हु एक्सक्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन शाजेब मर्डर केस।
जी कौन जो है किनको सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है, उनके कत्ल केस में, शाजेब मर्डर कत्ल केस में जो है वो रिहा हो गए हैं जी। शाहरुख खान जतोई इनको बाजियाब, मतलब इनको कर दिया गया है, इनको रिहा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, हु हैज वोन एशियन जूनियर स्कॉश टाइटल जी, किसने एशियन जूनियर स्कॉश टाइटल अपने नाम किया है जी। महानूर अली फ्रॉम पाकिस्तान, इन्होंने जो जूनियर स्कॉश टाइटल है वो अपने नाम किया। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन जी, कौन से प्राइम मिनिस्टर स्वीडन के अब न्यू इलेक्ट हुए हैं, तो इनका नेम आपको जरूर याद होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्योंकि जो भी न्यू प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते इलेक्ट होते हैं या कोई रिजाइन करता है तो इसके बारे में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये उल्फ क्रिस्टियासन इनका नेम है, तो इसके बारे में आपको जरूर बताना चाहिए, ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं स्वीडन के। क्वेश्चन नंबर 15, विच गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑफर ऑनलाइन ओपीडी जी, ये इसका भी पूछा जा सकता है कि कौन सा गवर्नमेंट जो है वो ऑनलाइन हेल्थ जो है वो प्रोवाइड करेगा, तो ये किस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। सिंध गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया है, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया है ऑनलाइन ओपीडी। क्वेश्चन नंबर 16, हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इंडस वाटर ट्रीटी बाय वर्ल्ड बैंक जी, हमने इसके बारे में ऑलरेडी अपने करंट अफेयर्स में बात की थी कि इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ और किसने करवाया, तो अब हम सिर्फ इसमें बात करते हैं कि इनके जो चेयरमैन है वो कौन है और आर्बिट्रेशन। तो अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो जी। ये सीन मोर्फे जो चेयरमैन है, उसके बाद मिचेल लियनो जो है वो जो न्यूट्रल एक्सपर्ट जो है वो मिचेल लियनो है। क्वेश्चन नंबर 17, इंडियाज मेन ओपोजिशन कांग्रेस पार्टी अपॉइंटेड इट्स फर्स्ट टाइम लीडर नॉट फ्रॉम द गांधी डायनेस्टी इन 2024 ईयर्स जी, ये हमने हमसे कुछ पढ़ा था कि इंडिया ने जो नेशनल कांग्रेस उनकी पार्टी है उनका न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं, ये भी पूछा जा सकता है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो बने हैं उनका ताल्लुक किस से है, मतलब कि गांधी डायनेस्टी से वो नहीं है, वो ये 24 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। तो उनका नेम जो है वो मल्लिकार्जुन खारे जी है इनका नेम, और ये उनके न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान डिक्लेयर गिल्टी बाय ईसीपी इन विच केस जी, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो है वो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गिल्टी करा दिया गया है, तो वो नाहल हुए हैं, किस केस की वजह पर नाहल हुए हैं जी। तोशाखाना की वजह से वो नाहल हुए हैं, 63A आर्टिकल उन पर लगा है। क्वेश्चन नंबर 19, हु रिजाइन एज यूके प्राइम मिनिस्टर आफ्टर 6 वीक्स इन ऑफिस जी, कौन से यूके के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया है अब जी। ये लिज ट्रस ये हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनी थी लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 20, पाकिस्तान करंट गवर्नमेंट डेफिसिट हैज श्रंक फ्रॉम डैश टू डैश इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023 जी, पाकिस्तान का जो करंट अमाउंट डेफिशिएट जो है वो कितना रहा जो फर्स्ट क्वार्टर में जी, 3.522 बिलियन रहा, ये पाकिस्तान को काफी इसका लॉस हुआ, मतलब कि काफी श्रिंक हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन सीओएस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा अनाउंस रिटायरमेंट ऑन जी, जनरल ऑफ बाजवा जो है वो कब अपनी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं जी। 29 नवंबर को वो अपनी जो रिटायरमेंट है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे फेमस पर्सनालिटी हु डाइड एंड बॉर्न जी, विच एक्टर हैज पास्ड अवे हु प्लेड अ रोल इन हैरी पॉटर मूवी रूबिस हैग्रिड, तो वो कौन से मतलब कि उनका नाम क्या है जिन्होंने हैरी पॉटर मूवी में रोल अदा किया था, उनका जो रोल का नेम था वो रूबिस हैग्रिड था, तो उसके बारे में देखते हैं जी। इनका नेम रूबी कोल्ट्रेन था और ये इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। अब हम बात करें इंटरनेशनल डेट्स और डेट्स की, व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड फूड डे एवरी ईयर, कब हम वर्ल्ड फूड डे हर साल मनाते हैं, मतलब कि उसको ऑब्जर्व करते हैं जी। ये 16 अक्टूबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है, और लीव नो वन बिहाइंड इसका
थीम है, तो हमने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट डे के साथ साथ आपको थीम भी जरूर याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू, व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एवरी ईयर। जी कब हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए दिन को मनाया जाता है, जरूर किया जाता है। जी 17 अक्टूबर को इस दिन को मनाया जाता है, और डिग्निटी ऑफ ऑल द प्रैक्टिस इसकी जो है वो इसका इस साल का थीम रहा। क्वेश्चन नंबर टू थ्री, व्हेन वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जी कब वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स जो डे है वो ऑब्जर्व किया सेलिब्रेटेड किया जाता है। जी 20 अक्टूबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है, इसमें हिसाब लगाया जाता है हर कंट्री का, उसके बाद पूरी दुनिया का, उनके स्टेट्स वगैरह के बारे में इसको हिसाब लगाया जाता है। जी हमने आपके साथ पूरे वीक के बहुत जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो आपके साथ शेयर किए, जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने का उनका 100% चांसेस है, हम कह सकते हैं। चलो अगर 80% भी कहें तो बुरा नहीं होगा, तो 80% चांसेस हैं कि वो ज़रूर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे कहीं ना कहीं। तो आप इनको ज़रूर तैयार कीजिए, हमको दीजिए इजाज़त। थैंक यू, खुदा हाफिज़।